जय शंकर। सो फ्रेंड्स और व्यूअर्स, सो आज डेट हो रही है 15 तारीख, तो आप देख सकते होंगे बालटाल का जो भी व्यू है काफ़ी अच्छा है। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन गया हुआ है, 2 डिग्री टेम्परेचर हुआ इस टाइम, ठंड काफ़ी है। और अभी हम सब लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं। जय शंकर भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्पेंसरी की भी पूरी फैसिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम आए, तो यहाँ से वो मेडिसिन ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी सुविधा, हर चीज अवेलेबल है। जैसा कि ये भाई अभी इसको लग रहा है कि इसको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मेडिसिन लेने के लिए हम रुके हुए हैं यहाँ पे। भैया देखो, यहाँ पे सारी मेडिकल की सुविधा, ये ग्लूकोज भाई, ये हमारे मलेरकोट वालों का लंगर है, मलेरकोट पंजाब। जय बोले, जय बोले। भैया ये सभी भाई लोगों ने मास्क पहन लिए, यहाँ पे डस्ट काफी है, तो इससे हम पूरा सिक्योर रहेंगे। अभी हम अपनी यात्रा का शुरू करते हैं। जय बोले। फ्रेंड्स, ये वाला जो चेक पोस्ट है, ये लास्ट वाला चेक पोस्ट है, इसके बाद कोई चेक पोस्ट नहीं आएगा। यहाँ से आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसा कि इन भाई लोग ने चेक करवा लिए हैं, एक पास रख लिया हमारा। हाँ जी, ऐसे यहाँ से हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक हो जाएंगे और उसके बाद हमारी यात्रा कंटिन्यू रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। तो भाई अभी तो हम इतना सा चले, थकान बिल्कुल हुई है, किसी को थके तो नहीं हो? हमारा जो एक आर्मी मैन था बंदा, जो कि हमें कह रहा था कि हमने पैदल यात्रा करनी है, सबसे पहले इसने घोड़ा किया। देखो देखो भाई, इसकी फिटनेस चेक करो, इसने आर्मी की 4-5 बार इसने आर्मी में ट्राई किया हुआ है, देख लो। गाइस, लगता है हम अभी 2 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं, अभी रह गया होली के 12 किलोमीटर। Hey, 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 hey
अच्छा किसको भी दुख लगी कुछ किया भाई खर्चा कोई नहीं, आप लंगर दिखाइए और फर्स्ट क्लास खाना। बोले बाबा कि यहाँ पे एजुकेशन भी अच्छा होता है। अपना 4 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया है 1.5 आवर में, और अभी भी यहाँ से होली के जो है 10 किलोमीटर पड़ी हुई है। बाकी फ्रेंड्स लोग सभी रेडी हैं, कोई चक्कर नहीं है, खड़ी चढ़ाइए खड़ी, मेरा पहले ड्राइवर करना शुरू कर दिया करो, स्टैमिना बन जाएगा। चेक कर सकते हैं जो भी इस लोकेशन की हाइट है सी लेवल से। सभी हम और आगे आ गए हैं 1 किलोमीटर, और जैसा कि ये जो एरिया है चल रहा है, ये जो एरिया है लैंडस्लाइड एरिया है, इसी कारण यहाँ पे रुकना और बैठना इनहैबिटेड है। सो हमने आधा रास्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, रुके एक ब्रेक लिया छोटी सी भाई, बस हो रखी है, बम बोले हो गए हमारी तो।
अभी चलेंगे आगे, कह रहे तो रहे हैं सीधा रास्ता, अभी देखो क्या है, चढ़ाई है सीधा रास्ता है, ये टी टाइम कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो फ्रेंड्स अभी हम मिलाते हैं, हमारी जर्नी का पार्ट था ये, हमारे भाई मिले हमें। और भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज अहमद खान है। सो भाई यहाँ पे आप कितनी देर से हो? हम यहाँ पिछले महीने के 20 तारीख से। नहीं, वैसे कितनी देर से आप यहाँ पे शॉप लगा रहे हो, कितने सालों से? मतलब तकरीबन 20 साल से। ओके ओके, तो आप कभी गए ऊपर? हाँ, यात्रा करने बहुत बार। कैसा लगा, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो फिर एक बार साथ में बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। भाई अपने चौधरी भाई हैं, इनके दुकान पर आओ, चाय वाय पियो, अपना एंजॉय करो। आधे रास्ते में दुकान है, बागटाल के रास्ते पे, गाड़ी टॉप पड़ता है। भाई का नेचर काफी स्वीट है और भाई काफी कॉमेडी भी करता है, जिससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके भाई, बाय, सी यू। रिफ्रेशमेंट हमने ले ली हुई है, तो अभी नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं कहाँ पे करते हैं। अभी यहाँ से कहते हैं तकरीबन 7-8 किलोमीटर पड़ा हुआ है, तो वैसे पिछले 5 किलोमीटर से ही कह रहे हैं, ये आधा रास्ता पड़ा है, लेकिन देखो क्या होता है। तो करते हैं हम अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट, आप वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू, एंजॉय करते रहें वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। यात्री यहाँ पे काफी फन कर रहे हैं, चलो चलो। झरना टाइप है, मेरा तो भी मन कर रहा है कूल सा साथ दिया जाए और अपनी थोड़ी सी जो टाइटनेस आ गई है, थकान आ गई, उसको दूर किया। बट सॉरी, आते टाइम देखेंगे, टाइम काफ़ी अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट तो माशाल्लाह, आप देख सकते होंगे। वाह यार, ऐसे सच में आप भी, अगर जो भी मेरा भाई जो भी वीडियो देख रहा है, इसका भी मन तो कर ही पड़ा होगा एक बार ये व्यू खुद से देखने का।
सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी। अभी हमें हमारा एक भाई मिला है जो कि बॉम्बे से आए हुए हैं और एक्चुअली बात क्या है कि ये घर पे कमिटमेंट करके आए हुए हैं कि मैं जाऊंगा तो पैदल ही जाऊंगा। भाई काफी थके हैं लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा है, जो भी होगा बोले बाबा लेके जाएंगे। बम बम बोले भाई से मिलके काफी अच्छा लगा। अभी हम इनके साथ ही जाएंगे भाई ऊपर साथ मिल गया। अगर भाई कमिटमेंट करके आए घर पे तो हम भी कमिटमेंट करके आए हैं और आपसे भी हमने कमिटमेंट की है कि जो भी हम आपको दिखाएंगे हम पैदल ही जाएंगे और भाई के साथ जाएंगे। चलो ठीक है फिर मिलते हैं भाई होली के बम बम बोले। सो है गाइस वेरी हैप्पी बिकॉज वी सी फर्स्ट लुक ऑफ द होली केव। तो जैसा कि भोले बाबा की पहली लुक दर्शन मिल गए हुए हमें उस सामने, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट।